हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में SSGD कॉन्स्टेबल वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स आपको बता दो, लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने गूगल में डालना है सरकारी जेल्स की साइट पर, आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स मैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट साइट पे जाके, फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप नेम ऑफ पोस्ट SSGD कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स, जो अभी अभी हाल ही में आए हैं। और फ्रेंड्स जो उनकी अप्लाई ऑनलाइन डेट है दोस्तों वो 21 तारीख 7वां महीना 2018 की है, मतलब कल की। और फ्रेंड्स इनकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स वो 20 तारीख 8वां महीना 2018 से फ्रेंड्स इनकी लास्ट डेट है ये, ठीक है। एंड दोस्तों इनकी जो लास्ट डेट है मतलब फीस की है फ्रेंड्स, आपकी जो फीस पे हो सकती है फ्रेंड्स वो भी आपकी डेट इतनी दी गई है, मतलब 20 तारीख 8वां महीना आपकी लास्ट डेट है फीस पे करने की, ठीक है। एंड फ्रेंड्स आपका एग्जाम होना है, इसमें जो CBT टेस्ट होता है फ्रेंड्स उनकी अभी तक कोई डेट नहीं आई है, ठीक है, जो उनके एडमिट कार्ड की कोई डेट नहीं आई है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसमें आपसे जो चलान हो जाएगा जनरल OBC वाले का चलान, जिसमें फ्रेंड्स आपका 100 रुपीज़ है, और SC ST के लिए इसमें आपको कोई चलान नहीं होगा आपका, और ऑल कैटेगरीज फीमेल्स के लिए भी इसमें कोई चलान नहीं है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। अब नीचे देख सकते हैं वैकेंसी, जो टोटल वैकेंसी फ्रेंड्स इसमें 54,953 टोटल वैकेंसी दी गई हैं। और फ्रेंड्स में देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेबल GD इन वेरियस फोर्स से, ठीक है फ्रेंड्स। एंड जनरल की फ्रेंड्स में 28,619 वैकेंसीज हैं, और OBC की इसमें 11,966 हैं, SC की 9,455 है, ST की 4,913 वैकेंसीज है फ्रेंड्स। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी हो जाती है 54,953, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपकी इसमें एज लिमिट दी गई है 18 से 21 ईयर आपकी इसमें एज होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपसे ओनली उसके आपकी प्लस टू पास में आपका मिनिमम होनी चाहिए आपकी प्लस टू पास, ठीक है फ्रेंड्स।